न्यायालय का फैसला है, आगे अपील करेंगे इसमें और इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। समाजवादी पार्टी से पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता हाजी इकराम कुरैशी को गबन और धोखाधड़ी के आरोप में स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। बिजली बिल का बकाया जमा करने के लिए फर्जी रसीद बनवाने के आरोप में उन्हें ये सजा हुई है। कुरैशी के खिलाफ साल 2000 में गल शहीद थाने में बिजली विभाग की ओर से ये केस दर्ज हुआ था। शुगर की हाजी इकराम कुरैशी सपा सरकार में रह चुके हैं और मुरादाबाद देहात सीट से विधायक रह चुके हैं। वे सपा छोड़ने के बाद 2022 का चुनाव कांग्रेस से लड़कर हार गए थे। कोर्ट के फैसले के बाद हाजी इकराम कुरैशी को पुलिस कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया है। सजा सुनाए जाने के संबंध में जब हाजी इकराम कुरैशी से पूछा गया कि कुछ कहना है तो हाजी इकराम ने कहा कि कुछ नहीं कहना, मेरा कुछ मतलब ही नहीं है, कोर्ट का फैसला है, अपील करेंगे। न्यायालय का फैसला है, आगे अपील करेंगे इसमें और इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। सरकार की ओर से इस केस को लड़ने वाले एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक मोहन लाल विश्नोई ने बताया कि हाजी इकराम कुरैशी ने बिजली विभाग के बकाया की रसीद फर्जी तरह से तैयार की थी, जिसमें उन्होंने अमाउंट 6,88,054 भरा था। ये फर्जी रसीद विभाग की रसीद बुक से फाड़ कर बनाई गई थी। इनके खिलाफ अधिशाषी इंजीनियर द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई थी, उसका न्यायालय ने गहनता से एनालिसिस किया, इसके बाद ही इन्हें दोषी करार किया गया। आपको बता दें इसमें कुरैशी को धारा 420 के तहत 5 साल की सजा हुई है, साथ ही धारा 467 में 7 साल की सजा हुई है। वहीं उन्हें धारा 468 में और 471 में 2-2 साल की सजा हुई है और जुर्माना भी लगाया गया है। अरे भाई, ये तो न्यायालय का फैसला है, आगे अपील करेंगे इसमें और इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। अरे ले लो, शमशाद आया नहीं, आ रहा है, शमशाद आया, अभी ना लाया, अभी ना लाया।